और देखे जो भी राम जी का साथ देना चाहते हैं वो कहां गया? पट्टू नहीं, जो शाम से सुबह से धूम मचाए हैं, लड़का बाबा, लड़का उसको भी बुला लो, मुक्ता। हाँ, मुक्ता को अवश्य आना चाहिए क्योंकि राम जी का वो प्रिय सखा है। अरे बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज को। आज जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के राज में कौन बना रह जाए? कदापि नहीं रह सकते, क्योंकि महारानी कैकेयी के कहने पर अपने पुत्र राम को जो राजा वनवास दे सकता है, वही राजा महारानियों के कहने पर प्रजा को फांसी भी दे सकता है, सूली पर चढ़ा सकता है। तो जो अपने पुत्र के साथ में राजा न्याय नहीं कर सकता, वो प्रजा के साथ में क्या न्याय करेगा? क्योंकि राम जी को राजा बनना था, अब राजा नहीं, उन्हें वनवास दे दिया गया है, लेकिन हमने राम जी को हृदय से राजा स्वीकार किया है। अब तो जहाँ राम जी रहेंगे वहीं पर हम सब रहेंगे। चलो भैया, हम भी वहीं चलेंगे। तुम भी चलोगे? बिल्कुल, हम भी चलेंगे। ये लोग भी चलेंगे क्या? हमारी हमारी बिटियां तक चली है। अच्छा, ये पूरा परिवार लेके चलोगे? तो परिवार लेके जाइए, सब परिवार लेके जाइए। यार इसको बहुत खराब गद्दा मिला है। और ये कौन, ये कौन भैया? इसी ने कर दिया है, गद्दा सही था? नहीं, गद्दा सही नहीं था। जब वो सही नहीं है तो उसको वही तो मिलेगा, जैसा पात्र है वैसे उसमें भोजन परोसा जाता है। वो बहुआ के पापा, बहुआ के पापा। मतलब ये है कि जहाँ बेकार जैसा बोले वैसे तो पाछे पाछे चिलांडू। नहीं ऐसा नहीं है मुक्ता भैया, ले जा साड़ी पेटीकोट गद्दा रजाई पलंग को चद्दर लंगोटी कोट। ए काय लड़का, अरे लंगोटी कोट काय का बेचत है? काय है जो लंगोटी कोट है? लंगोटी कोट काय है? अरे लंगोटी कोट नहीं जान दिया है? लंगोटी कोट का मतलब होता है साया के तरह का पहनो जाते। यहाँ पे जो एक बकरा घूम रहा था हुआ ये साया के नीचे का पहना जाता है, ये सोता रहा है, काम लगा गया साया के नीचे चप्पल। भाई साहब दो मिनट चुप्पे, दो मिनट। अब ये तुम हमको बताओगे? राम जी के साथ ही चलना है? नहीं भाई साहब, दो मिनट, एक क्षण। हाँ अच्छा, तुम बताओगे हमको क्या बोलना है? अरे देखो राम जी आ गए, सब लोग खड़े हो जाओ। राम जी आ गए, राम जी बन जा रहे, देखो आ गए, आ गए राम जी। पाए लागी राम जी, राम जी पा लागी। जय हो, कहाँ जा रहे हो? आपके साथ में, आपके साथ में, हमारे साथ में। हाँ हम तो वन के लिए जा रहे हैं। तो मैं बने जाइय, वन में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा? कुछ ना मिलेगा, पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। किसके आदेश से जा रहे हैं? हम तो पिताजी की आज्ञा से जा रहे हैं, माता जी की आज्ञा से जा रहे हैं। लियो इनके, इनके भाई ने कहो कि ऐसे जा। राम जी ने उठाओ धनुष आंधी, और हमार भाई रोज कहा कि यहाँ से पकड़ जा, यहाँ से मर जा। मैं कहूं गयो यहीं कहीं धसो। हे राम जी चलो वापस। कहाँ चले? अरे चलो, हम नहीं जाएंगे। काहे न चाहियो? नहीं। हाँ अरे तुम अतारी बाप के कोनो बात मानो पड़त है? माँ बाप की बात नहीं मानी जाती? कहाँ रहते हो तुम? लुगाई की भर बात मानो। अयोध्या में नहीं रहते हो? हाँ लुगाई की भर बात मानो। अयोध्या में अपने माँ बाप की बात मानी जाती है? माँ तारी बाप अगर कह दे ऐसा कर ले, उठाओ लाठी बीस्ट हमारा। हमें लगता है तुम अयोध्या में नहीं रहते हो। और लुगाई कह दे की ऐसा कर ले तो वही पसर जा, छुई ले तो छुई ले ना। देख वो सब आ जाना, चले फिर राम जी के साथ। हाँ लेकिन जहाँ राम जी आप जाएंगे वही हम जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जहाँ आप रहेंगे वही अयोध्या हो जाएगी। हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। हम ही ले चलेंगे, पूरा माहौल खराब कर दोगे। सुनो तो, ये सब संगत में गलत हो जाएंगे। वहाँ खाने के लिए और पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये तपस्वी लोग हैं, तुमको भोजन चाहिए। प्रभु इनको खाने को मिले चाहे ना मिले, पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा।
हाँ चलो चलो जीवित रह लेंगे, खाओ की कोशिश न करा, ध्यान देना हम नहीं ले जाएंगे तुम्हें। सबके सब एक कहती हुई है तो मैं अकेले ना हुई गया हूँ। नहीं बउआ हम तुम्हारे साथ हैं। बुल्ले हुआ कहीं चलो चले चले ऊपर। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, छूटा यव तो निवास, हम सन्यासी हो गए। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, छूटा यव तो निवास, हम सन्यासी हो गए। छूटा यव तो निवास, हम सन्यासी हो गए। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, छूटा यव तो निवास, हम सन्यासी हो गए। ये गलिया पथ बन खटिए मंदिर, परसों पुराना घटिए मंदिर, सो पुराना सो पुराना। आज तलक ये सब अपना था, अब लगता बेगाना, अब लगता बेगाना। बदला जग में भे, बदला जग में भेस, हम सन्यासी हो गए। हम तो चले वनवास, हम सन्यासी हो गए। हो बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुना। पहले दिन का निवास भगवान ने तमसा नदी के तट पर किया। बैठ जाओ सब लोग, राम जी कुछ आदेश दे रहे हैं, सब लोग सुनो। अरे भैया, हाँ भैया, उधर जंगल बहुत है, उधर मत जाओ, इधर आओ। देखो ये तमसा नदी का किनारा है और शाम भी हो गई है आते आते, आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। ठीक है। ये कुबर इसका अभी तक निकला है, बचपन में निकला था, अभी निकला है। तुम भी गजब आदमी हो, अजूबा हो। निकाल दो कुबर, निकाल दो, निकाल दो। अच्छा अब एक तो मैं बीमार हूँ, हल्लो फड़ाया करें कि नहीं है, कपड़ा डरो है। सब पति वीरता होते हैं, पत्नी वीरता है, मोमन है वा, पेटीकोट भर लाओ तुम। और देखिए आप हैं श्री कलाधर मिस्त्री जी ग्राम पुरेनी वालों की ओर से, ये 201 मुद्राएं मंचासीन सभी कलाकारों के लिए, श्री कलाधर मिस्त्री पुरेनी वालों की ओर से सभी कलाकारों के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कह रहे हैं अयोध्या से मैं यहाँ तक जो रजाई लेके आया हूँ। सुनो तो पहले, कलाधर मिस्त्री कह रहे हैं कि आप सब लोग लौट आइएगा, क्योंकि ना तो वहाँ खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा, सब लौट के अयोध्या आइए। कितना बढ़िया लगा थे, सही है, सब लोग लौट के आए, आपो लौट किया जाए, क्योंकि खाने पीने में तो हम कमजोर नहीं हो। अरे हम थोड़ा कमजोर है, हम इतना घटिया खाना थोड़ा खाते है, हम बड़ा वाला खाते है। हम क्या पियेंगे? ए, एक काम करो, ये इससे उठो, उठो क्यों,
नहीं तुम उठो। क्यों उठे? सबसे पहले उठो। काहे? इतनी दूर से मैं लाया हूँ रजाई, अब बताओ उसमें बैठ गई है। तो तुम्हारी बहनी बिटिया तो बच्ची है। कहता हूँ तो इसका मतलब ये तो रहा मैं जैसे लेके आया। तुम चारों उठो। काहे उठे? ये ना बनी, पहले उठो। अयोध्या से देखो वो कह रहे हैं कि सुरेश जल्दी करो आओ फिर आओ अयोध्या जाने के लिए और कुछ ना समझो। अयोध्या से इतनी दूर से मैं रजाई लाया हूँ तो वो अटाई फटाई लेडी जस्ट इन द फर्स्ट वो कौन बात नहीं है। तुम कौन लेके आई हो? तुम उठो। तो लेके तुम आए थे बैठेंगे हम लोग। मतलब नहीं आता, सीधे उठो। हम लोग लड़कियां हैं, ज्यादा कोमल होती हैं। लड़कियां हैं ज्यादा कोमल होती हो। मम्मी से बात करो, मम्मी से। अच्छा नहीं, सीधे सीधे तुम उठो। नहीं उठूंगी। उठना बैठना काम का लगा रखे हो। अल्ले कहा थी मैं ना उठूंगी। अरे सुनो तो, ऐसा हाँ किस्सा सुना दे। आओ ठीक है, टाइम पास हो जाता ना। किस्सा सुना उठो। सुना आओ सुना। ऐसे 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 रुक जा। आओ कैसे रुक जा भाई शासन बमास। ओ आराम से ऐसे 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 कौन बोला? ये कौन जुआना बोला? कहाँ से बोला? हाँ, मैं तो लेडीज से बात करते हूँ, ये फिर बोला कौन बोला? साउंड वाला बोला। साउंड वाला कहे? मैं इनके कैसा सुना तो कहे बीच में पुको पुको कर रहा था। कहे बीच में पुको पुको कर रहा था? सही है, बहुत गंभीर आवाज ही हो। सही में कोई बोल रहा है देख लो। ऐसा लगते जैसे कोनो पप्पू राम बोला तू। भाई साहब दो मिनट दर दरो कायदे में बात कर। हाँ बोलो। ऐसे 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 तू नहीं बोलेगा तू ही हूँ तो ये पहले बता हूँ कि ये कि हूँ का ये हूँ की का होती हूँ का जैसे हूँ ऐसे हूँ का होता अच्छा हाँ ठीक तो हूँ की ये कि हूँ का हूँ का कोको देबे को हूं का मनोज ने हुका। अरे तो बता दो कि को हूं का सबको हुका सब जने हुका। मैं पप्पू रावण के सबको ये पप्पू बोर बोरा हो जा ये देव ये देव ये देव दो मिनट चाहिए तुमको बस। ए भाई साहब दो भाई साहब भाई साहब भाई साहब दो मिनट दो मिनट दो मिनट भाई साहब दो मिनट। अरे ये बताओ दो मिनट कह रहे हो किस लिए दो मिनट चाहिए तुमको? ये जात तो है जो फतेहपुर और फिर फतेहपुर जात तो ये का रास्ता भूल गया। So, एक आदमी से कहते कहते ओ भाई साहब दो मिनट भाई साहब थोड़ा दो मिनट मैं आपका यद्यपि दो मिनट चाहता हूँ। अच्छा तो कहते चूतिया अस्कारे कहते जटुआ अस्कार। अच्छा ये बात है। अच्छा किस्सा सुनाओ। कहन ये बता कि कहाँ कहते मुसर्रबाद कौन सा बाद आ रहा है? रजौनी कह रजौनी कहाँ परत है? तो कहते इतना परत है ली हुसैनगंज रजौनी नहीं हुसैनगंज फतेहपुर राधा नगर से तो कहते अब की बार रोक ली ने तो रोक ली ने दोबारा ना रोके नहीं सारे। अच्छा हाँ किस्सा सुनाओ। अच्छा ठीक है भाई साहब दो मिनट। देखो मैं तुमको किस्सा सुनाता हूँ। हूँ की देना हूँ की दे कि हूँ का हूँ की हूँ की को सबसे
सब लोग हुकी जितने जने हुकी तो कौन भूकी हाँ जोन जोन हुकी तो कौन भूकी सर तो फिर ठीक है चलो तुम्हारे हुकी ठीक है ठीक हाँ ऐसे 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 हाँ ऐसे ऐसे हाँ ये हूँ किया दिए जे की लागत है जैसे गाज के ना वो ठोस अरे काई दे माँ ऐसे ऐसे क्या हुआ क्या हुआ अरे कम से कम काई दे माँ हूँ की दिया अच्छा ऐसा हूँ की दे ये कहा कि जैसे गाज की ना वो तो आराम से हाँ प्यार से प्यार जाना जो सुनो एक बात बताओ ये तो मालूम है ये टेढ़ू कैसे हुई थी वो हुई गई थी बहुत पहले के रहा ये कहानी हां हां सुनाओ ऐसे ऐसे हां एक कुतिया के दो पिल्ले हां एक का नाम ताय एक का नाम माय तो ताय मर गया तो कुतिया के दूध को पी ताय अब ताय कहेगा पी जब तक मरेगा है तो अब कहेगा कभी पिए के बाद में मरो एक कुतिया के दो पिल्ले एक का नाम था एक का नाम मैं एक तो तय मर गया तो फिर कुतिया के दूध को भी कॉपी अरे पढ़े लिखे नहीं है का बेवकूफ है इनसे पूछो इनसे एक कुतिया के दो पिल्ले एक का नाम था एक का नाम मैं और तय मर गया सो कुतिया के दूध को भी जब मरेगा तो फिर काय का पीवा पी के मरो तो तो वो का बोलने की कुपी तय पी मैं तय पी है तय नहीं मैं तो पियोगा के ना हां जो मैं बचू है तो मैं पी हाँ ये बात है दूसरी सुनाओ आओ सुनाओ तो दूसरी सुना रहा हूं हां ऐसे ऐसे हां एक रहा है आदमी हाँ एक रहा है आदमी हाँ वो लुगाई बन गा कैसे तुम्हारे जैसे बहु मारे जाओ नहा लूं ओ ठीक है सही है लांगड़ मड़ाई हूँ नहा तो ले भी करूँ हाँ नहा तो मैं लेकिन तौलिया तो लगाना पड़ेगा तमसा नदी का किनारा है ना देखो पवित्र हो जाओ भैया मुक्ता भैया नहा लो उसके बाद मुगौड़ी बनी है वहां पर तुम्हें बुलबुआ हुआ है तो चलो प्रेम से बढ़िया जो है दाबो हाँ वो बुला रहे हैं बार बार लगाओ तौलिया हाँ लगाओ अच्छी तरह लगाओ लगा लिया लगा लिया अपना हाथ और मुंगौड़ी खाने के लिए शिवपाल भैया को भी ले लेना साथ में इस बार चलो। इस बार छोड़ दिया है इनको चलो अब पूजत हो अबे नहीं गिनती गिन करके हाँ गिनती तीन में कूद जे हैं हाँ कूद दिया ना बिल्कुल हाँ वहीं कूदियो कहाँ एक दो तीन कहे मुंह ने गिनती आओ दिया कहा ढाई एक दो साढ़े तीन मर जाए तो मानना होगा साढ़े तीन कहा थी मैं तीन में कूदे के तैयार हो साढ़े कहे का बेड़े चलाई दिए थी वो तुमको बुला रहे हैं हाँ चलो कूद रहा हूँ एक दो तीन अरे क्या हो गया कितनी मछली बैठी है बचे रहना कौन कौन मछली चश्मा लगाए चश्मा निकाल लो मछली का कैसा होता है चश्मा हम भी देखे इधर ना कूदूंगा इधर ओ इधर देखो कितने केकड़ा बैठे केकड़ा हाँ मैं कूदूंगा ऐसा करता हूँ मैं यही कूद जाता हूँ कूद लो आराम से हैं क्या हुआ बड़ा बड़ा तेज पानी है तेज पानी है कि मतलब ठंडा पानी है अच्छा साबुन लगा लो लगाओ लगाओ बुड़की तो मार ले हैं बुड़की साबुन साबुन नहीं मिला का मिल गया न मिलाओ तो स्टैंड के नीचे रखे ये देखो ये कौन सी साबुन है इसका नाम है लैबवा
लेबो है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ मामा इसको लाए माई खूब लगाए रंगीन कपड़ों में खेल खेल जाए। निर्मा में पहुंच गए दोनों कंपनी के पैसा लाए हो ना। अच्छा ठीक है। वर्सिंग पाउडर निर्मा लगाओ खोपड़ी में। अरे अरे कितना फियाना छोड़ दिया। अरे पूरे शरीर में लगाओ तुम खोपड़ी में अकेले मल रहे हो। लगाओ तो ओहो कितना फियाना छोड़ दिया। अब कहाँ रह गया है? अभी रह गया कहीं लगाने के लिए? रह गया खाली थोथना। तो उसमें भी लगाओ, इनके भी लगा दो थोड़ा। इनके लगाओ, उसके नहीं इसके लगा दो, इनके लगाओ नहीं इसके नहीं लगा। दो मिनट लगा दो, बस दो मिनट। इन लोगों के लगाऊंगा नहीं, सीधे अभेर मारूंगा। हाँ ऐसे करना है, लगाऊंगा नहीं बाद में अभेर मारूंगा। आँखी में लग गया यार, थोड़ी काजी में लगा मुंह में। अरे बहुत फियाना छोड़ा थी यार, बहुत ज्यादा फियाना छोड़ दी। डुबकी लगा लो जल्दी से। हाँ डुबकी मारो। ओ अब चम हो गया, अब नहा लिया। नहा लिया अब ऐसा करो, अब एक काम करो। अब ऐसा क्या करो, क्या करवा रहे हो तुम ये बताओ? ये कह रहा हूँ सब लोग आराम करो। आराम नहीं, वो देखो तो श्रमित हो गई है, उनके हाथ पैर दाब दो। अरे तुम्हारी जो मम्मी आई है साथ में। ला मम्मी नो है। कौन है? घरवाली है। अच्छा घरवाली है, चलो दाब दो पैर। ये मेरी घरवाली है, मैं इसकी घरवाली हूँ। चलो ठीक है, अच्छा है। ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पतना हूँ। हाँ ठीक है। तुम ला, तुम पति देव हो। जय हो मोरे पुरखा। तर गयो कि नहीं? कहाँ है पुरखा? नीके दबा। जिन्ने लुगाई के पाँव न परे ओके कहूँ दुख ना हरे। अरे अच्छी तरह धाबो तो जोर लगा के दावत तो हो। जय हो जय हो। क्या हुआ? देखा है पहली बार लोगायन के पावन मबार। मैं ना दाबूंगा, हट। ना दाबोगे? ना दाबूंगा। तो अब एक काम करो, अब सो जाओ। हाँ सब लोग सो जाओ। लेकिन तुम कहाँ सोगे? तुम जो है रथ के आगे सोना। अब तुम रथ के पहियन के तरह? नहीं, हम रथ के पीछे। आओ ठीक है। आओ आइए घोड़न के तरह। इनको जो है उसमें रथ के पहियों के नीचे कर दो। ठीक है, इन दो को कर दो पहियों के नीचे। ठीक है ठीक है। मैं आज और मैं यहाँ पर सो रहा हूँ। हाँ तुम यहाँ सो जाओ, तुम भी सो जाओ। राम लखन सी जान चढ़ी। सो जाओ। देखिए जो ही सभी प्रवासी सो गए तो राम जी ने सो जाओ। सो जाओ जब ही जाम जुग जामिन बीती। राम सचो सन कहीं सप्रीति। हे तस्मन जी, ये सभी प्रजा प्रवासी सो गए हैं, अब आप रथ आगे की ओर ले चलें और रथ को ऐसे चलाएं कि इन्हें पता ना चले रथ किस ओर गया है। राम लखन सी जान चढ़ी शंभु चरण सिर नाई सचिव चलायो तुरत रथ इति उत खोजे दुराई। भगवान तो चले गए, अब जब भुंसारा हुआ सभी प्रवासियों ने देखा तो भगवान नहीं। जाके सकल लोग भय भोरू के रघुनाथो भयहु अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही राम राम कहूं चहु दिस धावही। यहाँ पर तो राम जी थे लेकिन यहाँ राम जी नहीं है। मुक्ता कहाँ चले गए? इसको कहा गया मर गया क्या? उठ जा। अरे दया मर गया, अकड़ गया मर के। अरे कहा हो गया? तुमसे कहा था कि जागते सोना, अब बताओ राम जी कहाँ है? कहाँ है राम जी? अरे यही होंगे। कहाँ है राम जी? देखो सिला पर बैठे होंगे। कहाँ सिला पर? प्रणाम। क्या हुआ?
राम जी तो लगता है चले गए, चले गए हम सबको छोड़ करके, सबको छोड़ कर चले गए। अब क्या करेंगे? अब ऐसा करते हैं क्या, हम वापस अयोध्या जाएंगे नहीं ना, इसलिए यहीं पर कुटिया बनाते हैं। ठीक है, आए अब बढ़िया उपवास करते हैं। ठीक, और राम जी का नाम लेंगे सभी लोग, सभी लोग जो यहीं पर रहेंगे यही जय हो। एक बार उच्च स्वर से जय घोष करें, बोलिए श्री लीला बिहारी सरकार की जय हो। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातः काल की बेला है, लीला का आज की जो तृतीय दिवस की लीला थी। अभी बैठे रहिएगा, अभी जाइए नहीं, अभी तो ये लीला है समाप्त हुई, अभी अभी लीला बाकी है। तो आज की जो ये लीला है ये तो विश्राम हुई, और जो कैसेट प्रेमी है तो इन सखियों के द्वारा सुंदर श्रृंगार रस की कैसेट की प्रस्तुतियों का आप लोग आनंद लेंगे। और आज ठीक